ऐसा मांग है जिसको कि करने में सरकार को सहूलियत नहीं है जी। तो उनके प्रतिनिधि से बात करके जो मांग मानने वाली है उसको माने। रुआ देख रहा बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। कल 17 जनवरी से प्रदेश के सभी नियोजित और अनियमित शिक्षक हड़ताल पर जा रहे हैं। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति ने यह ऐलान किया है, जबकि संभावित हड़ताल के दौरान ही मैट्रिक परीक्षा, कॉपी का मूल्यांकन एवं जनगणना सहित कई प्रकार के कार्य संपन्न होने हैं, जिसकी बहिष्कार की चेतावनी दी जा चुकी है। इसी बीच शिक्षकों के हड़ताल को लेकर बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने सरकार को निशाने पर लिया है। बिहार ने नीतीश सरकार पर करारा प्रहार करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार शिक्षकों की जायज़ मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। इतना ही नहीं, शिक्षकों के गायब रहने वाली बात पर आक्रोश जाहिर करते हुए मदन मोहन झा ने कहा कि शिक्षक गायब नहीं करें। शिक्षकों के हड़ताल को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार डर और डराने की राजनीति छोड़कर शिक्षकों से सामान्यजनक वार्ता कर समझौता करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में व्यवस्था को संचालन करने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जागरूक एवं सभ्य समाज के लिए शिक्षक ही नींव के पत्थर माने जाते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा कि उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि उनकी सरकार बनाने में शिक्षकों की अहम भूमिका रही है, जबकि नीतीश सरकार के कार्यकाल के दौरान शिक्षकों के साथ अन्याय होता रहा है। सरकार शिक्षकों के खिलाफ विद्वेष के इस चरम सीमा पर है कि शिक्षकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। ऐसे में शिक्षकों के पास हड़ताल के सिवा कोई चारा भी नहीं बचता है। उन्होंने कहा कि सरकार को गंभीरतापूर्वक शिक्षकों के समस्याओं और समाधान ढूंढना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार से शिक्षकों का हड़ताल समाप्ति हेतु समझौता वार्ता के लिए पहल करने का आग्रह किया। इस पूरे वाक्य पर जब हमने बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी से बात किया तो देखिए उन्होंने क्या कहा। हेलो जी, सर रवि वर्मा बात कर रहा हूँ न्यूज बिहार से। जी सर, जैसा कि आपने बोला है कि नीतीश कुमार को शिक्षकों की मांगों को स्वीकार कर लेना चाहिए, तो क्या कहना चाहते हैं सर इस बारे में? नहीं, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है और मेरे साथ साथ और कई माननीय विधायक ने जी उनको पत्र लिख करके शिक्षक प्रतिनिधि से वार्ता करने का आग्रह किया है। जी मैं समझता हूँ जो शिक्षकों की जो मांग है वो जायज है जी, लेकिन अगर मान लीजिए उसमें कुछ मैंने ऐसा मांग है जिसको कि करने में सरकार को सहूलियत नहीं है जी, तो उनके प्रतिनिधि से बात करके जो मांग मानने वाली है उसको माने, उसके लिए आगे का डेट मुकर्रर करें जी। तो मैं समझता हूँ जो शिक्षकों को डराने और धमकाने का जो काम किया जा रहा है, जो आप कहीं उनको भगोड़ा की संज्ञा दी जा रही है, जो कहीं कहा जा रहा है उन पर नहीं होगा तो FIR करेंगे जी। तो मैं समझता हूँ तो शिक्षा हमारे लिए कितना आवश्यक है ये आप जानते हैं, और शिक्षकों का मान मर्यादा रखने के लिए जी उनके जायज मांग के लिए जो अपना आंदोलन कर रहे हैं जी, अगर उसमें कोई परेशानी है तो उनको बात करना चाहिए जी, और न अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके जी शिक्षकों को अपमानित करने का काम नहीं करना चाहिए जी। सर नीतीश कुमार का कहना है कि वो रेगुलर शिक्षक नहीं है, वो नियोजित शिक्षक हैं, और नियोजित शिक्षक पे सरकार अभी उतना खर्चा नहीं कर सकती है, तो इस पर कुछ कहना चाहिए। देखिए मैंने कहा ना, उनके प्रतिनिधि को बातचीत करके जी उनको उन्होंने अनेकों बार नियोजित शिक्षकों को जी के बारे में और वित्त रहित शिक्षकों के बारे में बातचीत किया है लोगों से जी, लेकिन उस पर अमल नहीं किया है जी। कुछ बात ऐसी भी हो है उसमें तर्क में जी, जो कि प्रयास करने पर बहुत कम
राशि के से भी उसकी पूर्ति हो सकती है जी। तो हम समझते हैं कि अगर सरकार उसका निगोशिएशन करे तो उसका समाधान निकल सकता है जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई।